जो स्कॉलरशिप है क्यों इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ये कि आपको मौका मिलेगा एक बेहतरीन और हायर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। कोई मुझसे कहा है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, जॉब में या पीएचडी में, तो मैं कहूँगा कि पीएचडी में। क्यों? क्योंकि अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक और मज़े में होंगे। गाइस, आज की व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, और बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट के लिए जो पीएचडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं और जो कि पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं, और वो भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में। तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और उनके लिए ये वीडियो है कि ये वीडियो लास्ट तक देखें। तो गाइस, इस जो स्कॉलरशिप में शेयर करने डिटेल, उसका नाम है सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड, जो कि बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो स्कॉलरशिप है क्यों इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट ये कि आपको मौका मिलेगा एक बेहतरीन और हायर रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, रिसर्च करने का, और वेल नोन रिसर्चर और प्रोफेसर के अंडर काम करने का। दूसरा जो इसका वो है कि आपको किसी किस्म की आइल्स और सर्टिफिकेट जेआरई की ज़रूरत नहीं है इसमें, वो ऑप्शनल है। और थर्ड मैं बताता चलूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर पाएंगे। और चौथी और बेहतरीन चीज़ इसमें यह कि किसी भी किस्म की एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो नए हैं मेरे चैनल पे उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर आने वाली इसी तरह वीडियो आप देख सकें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं बताता हूँ सारी डिटेल कि आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को टाइप करना है सिंगर स्कॉलरशिप यहाँ पे गूगल में। तो जो पहला लिंक है उसको ओपन करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो उसके बाद आपको इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड ये मेंशन हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो इंस्टीट्यूट कोलेबरेट कर रहा है, इसमें नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, और ये जो एजेंसी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ए स्टार, ये चार यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इसमें कोलेबरेट कर रही है और स्टूडेंट को ऑफर कर रही है स्कॉलरशिप। तो इसकी डिटेल आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये पीएचडी एजुकेशन का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग सिंगापुर में अपनी पीएचडी एजुकेशन कंप्लीट करें थ्रू सेंगा। और अगर आपकी कोई इसी कोई और इंफॉर्मेशन हो या कोई इंक्वायरी हो तो आप इस ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ बताता चलूँ कि 1 जून इसकी लास्ट डेट है, और ये 2021 इनटेक जनवरी के लिए है आप अप्लाई करेंगे। तो रिसर्च पे आते हैं कि इसमें जो दो मेजर है, बायोमेडिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें जो भी मेजर आ रहा है, इसमें जो भी रिसर्च फील्ड आ रहा है, तो वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग प्रोफेसर को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और साथ में उसके प्रोजेक्ट को भी देख सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में टीचर काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये जो एनटीयू सुपरवाइजर एंड प्रोजेक्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ, जो कि मैंने ओपन किया है। इधर देखो ये लिंक, इधर जो कॉलेजेस आ रहे हैं, जो मेजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर से। तो यहाँ से मैंने ये कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस ओपन किया है। तो इसमें आप डिटेल देख सकते हैं सुपरवाइजर की, तो आप सुपरवाइजर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ईमेल लिख सकते हैं, ऐसा उसको मेंशन कर सकते हैं कि मैं आपके साथ प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूं, और सीवी भी आप भेज सकते हैं शॉर्ट सा ईमेल लेके। अगर टीचर इंटरेस्टेड हो तो वो आपको रिप्लाई बैक करेगा और आपसे कॉन्टेक्ट करेगा।
अगर ये आपके साथ होगा एक्सेप्टेंस लेटर, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मास्टर आपने लाजमन किया हो, और आपकी जो इंग्लिश की स्केल है वो भी राइटन और स्पोकन दोनों बेहतरीन हो, और जो आप लोग रिकमेंडेशन लेटर जो कि रेफरेंस लेटर भी जिसे कहते हैं वो भी आपकी बेहतर हो, अच्छी हो, तभी आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। और आपको क्या क्या बेनिफिट इससे मिलेंगे, ये 4 साल का प्रोग्राम है PhD का, आपको ट्यूशन फीस आपकी फ्री होगी, मंथ स्टाइपेंड आपको $2,000 सिंगापुर डॉलर मिलेगा, और एक एग्ज़ाम होता है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, अगर आपने वो पास कर लिया तो 500 आपको इजाफी मिलेगा, ये ऑलमोस्ट अबाउट 2 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ आता है। तो इसके साथ आप एयर फेयर की टिकट भी देख सकते हैं कि वो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं $1,500, और जो अलाउंस जब आप का एडमिशन हो जाए, जब आप उधर चले जाएंगे तो जो फर्स्ट टाइम आपको अलाउंस मिलेगा सेटलिंग अलाउंस, तो वो भी $1,000 ही है। ये जर्नल एस्टिमेशन है कि आप लोगों का कितना उधर खर्चा होगा, कितना मंथली आपका खर्चा आएगा, जो लिविंग कॉस्ट होगी, और ये साथ में आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह लाइफ गुजार रहे हैं उधर। तो एप्लीकेशन के प्रोसीजर पे आते हैं कि आप लोगों ने किस तरह करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जिस तरह मैंने बताया इधर, आप लोगों ने PhD रिसर्च प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, टीचर को सेलेक्ट करना है कि कौन सी टीचर के साथ कौन से प्रोजेक्ट है। उसके बाद सेकंड आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आप यहाँ पे मेंशन हुए कि आपको डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करना है, और पासपोर्ट आपसे मांग रहा है, और रिसेंट जो फोटोग्राफ है वो आपसे मांग रहा है, और साथ में जो सारे आपके ट्रांसक्रिप्ट है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में हो, और जो मैंडेटरी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है उसमें बेचलर और मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट और उनकी डिग्री, और साथ में जो रिकमेंडेशन लेटर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी इस एडमिशन को हासिल करने में, वो भी आप ऑनलाइन ही वो कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, और आपका जो रेफरेंस है, जो आपका प्रोफेसर है, वही ऑनलाइन उनको एक मैसेज जाएगा, वो ऑनलाइन फिल करके ऑनलाइन सबमिट करेगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये GRE, IELTS और ये TOEFL, ये सारी चीज़ें स्कॉलरशिप के लिए ऑप्शनल हैं। अगर आपके साथ हैं तो वेल एंड गुड, तो अच्छी बात है, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपके साथ नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम, आप फिर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था इसके बारे में, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट के आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन पोर्टल पे जा डाल रहे हैं वो वैलिड हो, वो सही इंफॉर्मेशन हो। दूसरा, आप जब जाएंगे एप्लीकेशन पे लॉग इन होंगे तो इस स्कॉलरशिप को सेलेक्ट करना है, सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड। और जो तीसरा है, जिसे मैंने पहले बताया कि आपको हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, सॉफ्ट में आप सबमिट कर लेंगे एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन को जितना जल्दी हो सके आप फिल करके सबमिट कर दें, ताकि आपके जो रेफरी हैं, जो आपके प्रोफेसर हैं, उनको टाइम मिले कि आप वो ऑनलाइन जाके रिप्लाई कर सके, जो डेडलाइन से पहले वो रिप्लाई कर सके। तो ये तो थी जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट इसके बारे में, और यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं, और डेडलाइन को जहन में रखिएगा, और जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट है उसको नोटिफाई कर दिएगा, 12 हफ्तों में नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलते हैं थोड़ा इसको देख लेते हैं, इस लिंक को ओपन किया है इधर ही मैंने, तो देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे, ये विंडो ओपन हो जाएगा, अगर इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा लॉग इन का, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप इधर रजिस्टर कर दें, और फिर अगर रजिस्ट्रेशन के बाद फिर लॉग इन हो जाए इस वेबसाइट पे, इस विंडो से जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, हाँ तो ये आ जाएगा, और इधर ही से आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई टू स्कॉलरशिप। और जहन में रखिएगा जो यहाँ पे मेंशन हुआ है, आप लोगों को ये सेलेक्ट करना है सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड।
तो गाइस ये तो था जर्नल ओवरव्यू स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये फॉर्म फिल कर लूं या फिर इस फॉर्म के बारे में बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इस पे भी व्लॉग बना के आप लोगों के सामने रख दूंगा कि किस तरह आप लोगों ने फिल करना है। तो ये तो था इसके बारे में डिटेल। तो थोड़ा मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ जो यूनिवर्सिटी टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज है सिंगापुर की, जैसे कि नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। इधर मैंने QS रैंकिंग वेबसाइट ओपन किया है, आप देख सकते हैं नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो कि 11वें नंबर पे हैं दोनों, बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर गाइज मैं तो आप लोगों को इनक्रेज करता हूँ कि अगर आप लोगों ने रिसर्च अच्छा किया है और आप वेल केपेबल हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोफेसर से रब्ता कर ले, अगर आपसे आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिले तो जाके अप्लाई कर दे, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए ये बहुत बेस्ट चांस है। तो गाइज ये तो थी ये सारी डिटेल स्कॉलरशिप के बारे में। तो गाइस उम्मीद है कि आज की व्लॉग आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत बेस्ट है। और गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि जो PhD ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल में मैं तो कह सकता हूँ कि आप एक शॉर्टकट ले सकते हैं, क्योंकि आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है इससे, और आप अपने फ्यूचर को इम्प्रूव कर सकते हो और फ्यूचर में आगे आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे इससे। तो मेरे नज़र में अगर कोई मुझसे कहे कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, जॉब में या PhD में, तो मैं कहूँगा कि PhD, क्यों? क्योंकि इसमें आपको पैसा ही अच्छा मिलेगा और आपको अच्छी मंथली स्टाइपेंड मिलेगी, जो कि जॉब जो पाकिस्तान में जॉब करने जॉब से वो आपको सैलरी मिलती है उससे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा स्कॉलरशिप से। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ और आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग स्कॉलरशिप, जितनी भी स्कॉलरशिप है तो अप्लाई करें, अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले स्कॉलरशिप के लिए तो अप्लाई करें और अपने लक को देखें। और उम्मीद है गाइस कि उनमें से जो ये मेरी वीडियो देख रहा है, उम्मीद है कि इनमें से कुछ लोग इसको स्कॉलरशिप ये अवार्ड ऑफ़र हो और आप लोग आए और स्टडी करें बाहर ममालिक में और लाइफ को एंजॉय करें और रिसर्च स्किल सीखें और इम्प्रूव करें अपने आप को। आई थिंक ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है अपने करियर और अपनी लाइफ को बनाने के लिए। तो गाइस उम्मीद है आज की व्लॉग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई को। और लास्ट में ये कहूँगा कि मुझे ज़रूर बता दीजिएगा इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।